सरकारें भले ही विकास के तमाम दावे कर ले, लेकिन सच्चाई तो यूं है कि जनता की बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही है। जनता आज भी नदी नालों से प्यास बुझाने और जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। डिंडोरी जिले में दिनों दिन जल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीण आदिवासी नदी नालों का दूषित पानी पीकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय से लेकर जिला स्तर तक तमाम अधिकारियों से शिकायत कर ली, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। सभी नल जल योजना ठप पड़ी हैं। ग्रामीण छत्तीसगढ़ बॉर्डर के गांव जाकर नदी नालों का दूषित पानी पीकर प्यास बुझा रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इस साल भीषण गर्मी पड़ने के बाद भी पानी का परिवहन नहीं कराया गया, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि झिरिया और नदी नालों के दूषित पानी पीने से लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ साफ पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी जब हमारे यहाँ 4 नल जब खुदवाए थे, उन साफ नल पूरा बिगड़ गए, पानी के लिए तरह तरह हो रहे हैं। अब पानी हमारे यहाँ 2 किलोमीटर दूर है छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ मत आओ तुम, यह करते हैं वह डांटते हैं, फिर लड़का बच्चा क्या करेंगे, नहीं मिलता है तो फिर आसन है। फिर अभी बीच में कलेक्टर साहब आए, पंडित पानी आ रहा है तो वहाँ भी दे रहा लिख के, तो कहा है कि 15 अप्रैल तक की आपका काम चालू हो जाएगा करके कह रहा है, अभी तक की योजना इतने को मिले है। पानी के समस्या ज्यादा आई, नहाए ला मिले, ना धोए ला मिले, ना पिए ला नहीं मिले, बताए रहा था पानी की समस्या आ जाता, बन जा ही आ जाएगा, या महीना माँ कहे रहा था नहीं आई था, कलेक्टर साहब कहा था रही से। पीने वाले पानी का बहुत ज्यादा संकट है और यह संकट पूरे वर्ष भर रहता है, क्योंकि बैगा जनजाति के लोग पहाड़ियों में निवास करते हैं, इसलिए वो झरियों का पानी पीते हैं और झरिया का पानी नुकसानदायक होता है, जिसके कारण इनको चर्म रोग, उल्टी दस्त की शिकायत होती रहती है। और एक चीज़ और देखी गई है कि इधर पर फ्लोराइड वाटर है, यहाँ के पानी में फ्लोराइड है कहीं कहीं, तो फ्लोराइड के कारण हाथ पैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, शरीर विकृत हो जाता है। इसी प्रकार कई जगह पानी में आयोडीन की कमी है, जिससे गंगा रोग होता है। शासन को चाहिए कि इसके लिए उचित प्रयास किया जाए। इसके लिए देखिए, जनवरी से हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, उसका नंबर 750-91-4x97 और एक जो हमारा लैंडलाइन नंबर है 299-272। इस पर लोगों की शिकायत प्राप्त हो रही है और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे सीएम हेल्पलाइन से शिकायतें कन्वर्ट होकर इसमें आ रही हैं, पहला तो ये। दूसरा, हम लोग हैंडपम्प में काम कर रहे हैं, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है पाइपलाइन बढ़ाना, चेंज करना, ये कर रहे हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हम मोटर डालने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, उसका मैंने टेंडर कर रखा है। उससे भी हम अगर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर अधिग्रहण करने की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक हालांकि किसी को अधिग्रहण किया नहीं है और आज ही कलेक्टर साहब ने कहा है जहाँ भी ऐसी कोई समस्या है वहाँ हम लोग त्वरित कुछ एक्शन लेने का, अभी मीटिंग होगा तो डिसाइड किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।